Good morning, students. In our today's video, we will continue with the same chapter, that is chapter number 8, quadrilaterals. And today, we will discuss question number 4 and question number 6 of exercise 8.2. Dear students, the learning outcome of our today's class, that is, at the end of this video, you will be able to apply the midpoint theorem or its converse to different questions based on quadrilaterals. Now to make it more clear, let us see some examples. Now see question number 4 of exercise 8.2. Ab question kya hai beta yahan pe? I have given ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and E is the midpoint. E jo hai wo midpoint hai AD ka. A line is drawn through E parallel to AB. Intersect BC at F, we need to show F as the midpoint of BC. तो चलिए बेटा सबसे पहले लिख लेते हैं क्या given है हमें. तो we are given ABCD is a trapezium. ABCD एक trapezium है. And AB is parallel to CD. Also जो E है वो क्या है? Is the midpoint of AD. And we need to prove क्या करना है मुझे बेटा? I need to prove F is the midpoint of BC. तो चलिए बेटा proof देखते हैं अब इसका. तो let us consider कि जो ये diagonal BD है वो EF को intersect कर रही है एक point पे, let's say G point पे. तो लिख लेते हैं let BD intersect EF at point G. तो अब बेटा now consider in triangle BAD. BAD triangle देखो बेटा. In triangle BAD, E is the midpoint of AD and जो EF है वो parallel है AB के. EF parallel है तो obviously EG भी parallel होगा. तो therefore I can say that G is the midpoint of BD by converse of midpoint theorem. Converse of midpoint theorem क्या होता है? कि अगर किसी midpoint से एक line draw करें जो कि parallel हो दूसरी side के, तो वो third side को बाइसेक्ट करती है, मतलब वो जी पॉइंट उसका मिड पॉइंट हो जाएगा. सिमिलरली अब ट्रायंगल बीडीसी देखो. आल्सो इन ट्रायंगल बीडीसी, अब बीडीसी में देखो बेटा जी हमने प्रूव कर दिया मिड पॉइंट है, तो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी. और अब ये ईएफ है एबी के पैरेलल है, तो EF CD के भी parallel होगा. तो I can write it as GF parallel CD also. ये जो अगर EF AB के parallel है लेकिन AB CD के parallel है, तो GF भी CD के parallel होगा. तो again by converse of midpoint theorem क्या आ जाएगा मेरे पास? ये जो F है वो भी क्या आ जाएगा? F is the midpoint of BC. तो यही मुझे प्रूव करना था. एक बार फिर से देखो बेटा. फर्स्टली मैंने ट्रायंगल BAD पे E को मिड पॉइंट लेके EG को, यहाँ पे आप EF की जगह EG पैरेलल भी लिख सकते हो, EG पैरेलल AB. तो मैंने पहले E को मिड पॉइंट लेके EG को AB के पैरेलल लेके G को मिड पॉइंट प्रूव कर दिया. आफ्टर दैट BDC ट्रायंगल में G मिड पॉइंट लेके GF पैरेलल लेके F को हमने बाय कन्वर्स से मिड पॉइंट शो कर दिया. तो यही हमें प्रूव करना था. एंड्स प्रूव्ड. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.2. क्वेश्चन क्या है बेटा? शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर. तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास. एंड ये जो
पी क्यू आर और एस क्या हैं? मिड पॉइंट्स हैं. लेट्स से पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली. दिस इज गिवन टू अस. और प्रूव क्या करना है मुझे? टू प्रूव, देखो बेटा क्वेश्चन में, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज पी आर एंड क्यू एस ऑपोजिट साइड्स को, मिड पॉइंट को ज्वाइन करती यही लाइन है, बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये मुझे प्रूव करना है. तो अगर बेटा मैं यहां पे देखो, पी आर और क्यू एस, पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल की डायगनल्स हैं, पी आर एंड क्यू एस आर द डायगनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस. और अगर मैं प्रूव कर दूं कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि उसकी डायगनल्स बाइसेक्ट करती है. तो दैट इज, फॉर दिस आई नीड टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. अगर मैं पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव कर देता हूं, तो उसकी डायगनल पी आर और क्यू एस बट ऑब्वियस है कि वो बाइसेक्ट करेंगे. तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं. Now see, in triangle ACD, R and S are midpoints of, किसके midpoints है बेटा? R and S of CD and DA respectively. So therefore, by midpoint theorem, क्या result आएगा बेटा? RS is parallel to AC. नंबर वन दे दो इसको. सिमिलरली आई कैन शो दैट, सिमिलरली बेटा मैं प्रूव कर सकता हूं कि जो पी क्यू है वो भी पैरेलल है एसी के. लेट्स से नंबर टू कर देते हैं इसको. एंड ऑल्सो अगर मैं ट्राइंगल कंसिडर करूं ए बी डी, तो आई कैन प्रूव दैट जो पी एस है वो बी डी के पैरेलल है, नंबर थ्री. एंड जो क्यू आर है वो किसके पैरेलल हो जाएगी? वो भी बी डी के पैरेलल होएगी, नंबर फोर. तो फ्रॉम वन टू थ्री एंड फोर क्या रिजल्ट आया बेटा मेरे पास? देखो, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, सॉरी पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड ए सी फर्दर आर एस के पैरेलल, तो आई कैन से दैट पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड PS is parallel to QR. So now in quadrilateral PQRS, PQ is parallel to RS and PS is parallel to QR. That is opposite sides of quadrilateral parallel. So therefore PQRS will be a parallelogram. So agar PQRS ek parallelogram hai, to we know that diagonals of parallelogram diagonals of parallelogram bisect each other. Therefore, PR and QS bisect each other. यही प्रूव करना था हमें कि जो PQRS एक हमने पैरेललोग्राम को प्रूव कर दिया, और उस पैरेललोग्राम की जो डायगनल्स हैं PR एंड QS, वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी. हेंस जो क्वेश्चन था हमारा कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर.